भारतीय जनता पार्टी नानपारा द्वारा 283 विधानसभा नानपारा से विधायक रामनिवास वर्मा को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें नानपारा के गायत्री मंदिर के पास में इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण का कार्य कराने के लिए कहा गया। मंदिर समिति ने किया विधायक का सम्मान। 283 विधानसभा नानपारा से अपना दल एस से विधायक रामनिवास वर्मा ने नगर के पौराणिक मंदिर कालीकुंडा के सौंदीकरण कराने के लिए मंदिर समिति ने मंदिर के प्रांगण में सम्मान समारोह आयोजित किया। बहराइच रोड पर स्थित नगर के पौराणिक मंदिर कालीकुंडा के सौंदीकरण के लिए स्थानीय विधायक रामनिवास वर्मा जब निर्वाचित हुए थे तो उन्होंने वादा किया था कि मंदिर का सौंदीकरण कराकर इसकी खोई प्रतिष्ठा वापस लाऊंगा। विगत कुछ महीनों पहले विधायक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग को बजट देते हुए सौंदीकरण कराने का काम शुरू कर दिया है, जिसका भूमि पूजन कुछ दिन पूर्व हो चुकी है। इसी क्रम में आज मंदिर समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर विधायक जी का सम्मान किया गया। विधायक रामनिवास वर्मा ने कालीकुंडा मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। सम्मान समारोह रखा गया है, उस सम्मान के केवल पात्र नहीं है, ये पूरी प्रबंध कमेटी उस सम्मान का पात्र है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि का प्रेरणा स्रोत और उसके हौसला अफजाई वहाँ के नागरिकों के द्वारा सभी मतदान और ये कहिए कि जो जागरूक नागरिक हैं और इसमें हम अपने मीडिया साथियों का भी बहुत योगदान मानते हैं कि वो भी तमाम विषयों से हमको अवगत कराते रहते हैं। जैसा कि अभी संस्कृति सुखमंदिर प्रधानाचार्य जी ने कहा, नामांकन के लिए रखा गया था, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमसे आप सभी लोगों ने इस नानपारा के सभी सम्मानित मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद जोड़ दिया और पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि आपका पूरे पिछले कई कार्यकाल अन्य जनप्रतिनिधियों के देखें और लोकतंत्र में निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, हर 5 साल पे सभी सम्मानित मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है, चाहे वो सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, नगर पंचायत के रूप में, जहाँ के गाँव में जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, लोकतंत्र का जो मंदिर है उससे हमारे देश का जो प्रथम मंदिर है वो भारत देश की राजधानी दिल्ली का पार्लियामेंट है और जिसकी शोभा और जिसका नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से 2014 से और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी का नेतृत्व 2017 से हमारे प्रदेश के यशस्वी परम युद्धे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोनों सरकारों के सहयोग से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक विकास की नई इसमें आप लोगों का कोई विशेष योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दोनों महापुरुषों का योगदान है। हम लोग तो केवल उसके एक संदेश वाहक हैं कि हम अपनी आवाज, अपने क्षेत्र की आवाज को अगर वहां नहीं पहुंचाएंगे तो देश इतना विशाल है और प्रदेश भी इतना विशाल है, तो वो आवाज हमें वहां तक पहुंचानी है और उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और
समाजवादी मुख्यमंत्री जी के जो उनकी कार्यशैली उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। उस सम्मान के केवल बात तो हम ही नहीं है, ये पूरी प्रबंध कमेटी उस सम्मान का पात्र है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि का प्रेरणा स्रोत और उसकी हम हौसला अफजाई वहां के नागरिकों के द्वारा सभी संग्राम और ये कहिए कि जो जागरूक नागरिक हैं, और इसमें हम अपने मीडिया साथियों का भी बहुत योगदान मानते हैं कि वो भी तमाम विषयों पे हमको अवगत कराते रहते हैं। तो जैसा कि अभी संस्कृति से संबंधित के प्राचार्य जी ने कहा, नामांकन के दिन मैं इस मंदिर में आया था, उसी समय इसे रखा गया था। हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी, हमने आप सभी लोगों ने इस नामपारा के सभी सम्मानित मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद उनको दिया और पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि आप सब लोग पिछले कई कार्यकाल अन्य जनप्रतिनिधियों के देखें और लोकतंत्र में निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, हर 5 साल पे सभी सम्मानित मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है, चाहे वो सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, नगर पंचायत के रूप में, जहाँ तक गांव में जिला पंचायत